वीएस कोड यूज कर रहा हूँ। वीएस कोड में आपको एक्सटेंशन इंस्टॉल करना पड़ेगा पाइथन का रन करने के लिए। जैसे यहाँ पे ये ऑप्शन दिख रहा है पाइथन रन करने के लिए, वो एक्सटेंशन से आता है। एक्सटेंशन इंस्टॉल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, पाइथन एक्सटेंशन में जाके यहाँ पे पाइथन सर्च मारेंगे। तो यहाँ पे देखो लिंटिंग डिबगिंग, ये जो आपका ये फीचर है 2020 ये वाला, ये आपको इंस्टॉल करना है। जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे तो आपको पाइथन रन करने के लिए यहाँ पे टर्मिनल पे ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे रन का ऑप्शन दिखने लगेगा। तो आपको ये पाइथन का ये एक्सटेंशन भी इंस्टॉल करना है, ठीक है। और एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे, कि जब भी हम लोग MySQL इंपोर्ट यूज़ करेंगे, और यहाँ पे पाइथन मतलब VS कोड में सेट है कि नहीं, वो चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट पी करेंगे, और यहाँ पे आपको टाइप करना है पाइथन, फिर वहाँ पे कोलन सिलेक्ट इंटरप्रेटर, यहाँ पे सिलेक्ट इंटरप्रेटर पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए आपको जितने भी वर्जन आपके पाइथन इंस्टॉल रहेंगे उसका पूरा पाथ आ जाएगा। तो आपको लेटेस्ट वर्जन वाला पाथ यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ये जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे वीएस कोड का आपको सेटअप आएगा, सेटिंग डॉट जेसॉन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पाइथन डॉट पाइथन पाथ, तो यहाँ पे पाइथन पाथ में आपका पूरा पाथ आ गया, लेटेस्ट वर्जन वाला जो मेरा इंस्टॉल है, ठीक है। इसका मतलब आपका पाइथन प्रॉपरली सेटअप हो गया है वीएस कोड में एक्सटेंशन के थ्रू। अब यहाँ पे आप कोड लिखने के लिए रेडी हो चुके हैं।